नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। राइस वर्सेस रोटी, ये चर्चा बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक जारी है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर आपके घर के अंदर, आपने लोगों के साथ ये जरूर बातचीत की होगी कि भाई राइस खाएं या फिर रोटी खाएं। वेट लॉस करना है, रोटी खानी चाहिए, राइस खाना चाहिए। डायबिटीज है, क्या राइस पूरी तरीके से छोड़ दें? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक हमको नहीं मिले हैं। इसी वजह से हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन वाइज वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए या फिर PCOS, PCOD के लिए या फिर दूसरी बीमारियों में क्या आप राइस खा सकते हैं या फिर रोटी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आपके लिए रोटी बेस्ट है या चावल? क्या चावल सेहत के लिए हानिकारक है? क्या रोटी से बिगड़ती है सेहत? आपको क्या पसंद है, चपाती या चावल? हेल्थ के लिए चावल बेस्ट या रोटी? चावल और रोटी के बीच ये जंग काफी पुरानी है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि चावल ना खाओ रोटी खाओ, रोटी ना खाओ चावल खाओ। आजकल ये बहस फिर सुर्खियों में है। चावल और रोटी के लिए अलग अलग तर्क हैं। हालांकि कुछ लोग चावल खाना सेहत के लिए ठीक नहीं मानते और इसे मोटापे की बड़ी वजह बताते हैं। डाइटिंग पर चल रहे लोग तो इससे तौबा ही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें रोटी के बजाय चावल खाने को तरजीह दी जाती है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसी बीमारियां होने पर रोटी के बजाय सफेद चावल खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। वहीं रोटी ना खाने को लेकर भी कई तर्क हैं। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि रोटी में 120 ग्राम गेहूं के आटे में 190 मिलीग्राम सोडियम होता है, जबकि चावल में सोडियम की मात्रा ना के बराबर होती है। कई ऐसी बीमारी है जिसमें सोडियम लेना मना है, तो आपको रोटी के बजाय चावल खाना चाहिए। आपके मन में सवाल होगा कि फिर हमारी सेहत के लिए क्या हानिकारक है और क्या फायदेमंद है, तो मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। हमारे साथ है खास मेहमान, बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो राइस वर्सेस रोटी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतर है। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस रूम में मौजूद हैं, राइस और रोटी के साथ बहुत सारा टेस्टी खाना भी हमारे साथ है। डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नियो हॉस्पिटल के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूजा हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। साथ ही हमारे साथ इस तरफ, यानी कि जो हमें बताएंगे कि आखिर रोटी के क्या गुण होते हैं और राइस से कैसे बेहतर हो सकती है रोटी, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा चावला जो कि डाइटिशियन है और हेल्थ कोच हैं। साथ ही डॉक्टर रमित हैं, HOD इमरजेंसी मेडिसिन मेट्रो हॉस्पिटल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलाब जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपको क्या पसंद है, राइस या रोटी? पसंद तो राइस है। ओके। और ये जरूरी नहीं कि पसंद है तो वही हम दूसरों पे थोपें। इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड डिजीज इटसेल्फ। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं राइस ही बहुत अच्छा है या चपाती ही बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इन दोनों का, ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर द नॉट कम्पिटिटर। और डाइट और ये डिपेंड करता है। सपोज पेशेंट इज सिक, कैनॉट ईट एनीथिंग, ही विल इजिली टेक राइस। किसी भी शख्स की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी कैसी है, रीजन पे भी डिपेंड करता है। यस, उसके कल्चर पे, किस कल्चर से वो ब्रॉट अप हुआ है। लाइक ए बंगाली, दे कैनॉट लिव विदाउट राइस, सो दे हैव टू गिव, बट दे हैव टू कंप्लीट एट द सेम टाइम होल न्यूट्रिशन। डॉक्टर अमित, अब आप बताइए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो है, कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा डॉक्टर गुलाब कह रहे हैं, आपका क्या मानना है, राइस अच्छा है रोटी अच्छा है? जी हाँ, डॉक्टर गुलाब सर ने बिल्कुल सही बात बोली है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं फिटनेस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके। तो आई हैव बीन बॉडी बिल्डिंग फॉर ऑलमोस्ट 18 to 20 years। तो मैंने अपने जीवन में ये चीज देखी है कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफस्टाइल के लिए। तो मैं आपको बस थोड़ा सा एक चीज बता दूं, रोटी जो है वेट लॉस की अगर हम बात करेंगे, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, हाई इन मिनरल्स और हाई इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे जा रहे हैं, मैं अपने साइड से बोलूंगा, मैं रोटी को प्रेफर करता हूँ। अगर मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आई विल अवॉइड राइस। ओके, क्या ऐसा मानती हैं आप डॉक्टर पूजा, आप किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, ऐसे दोनों को ही जरूरी है, दोनों में ही न्यूट्रिएंट्स है, बट कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स राइस में कम होते हैं।
ओके तो राइस में जैसे कि कैल्शियम कम होता है रोटी के अकॉर्डिंग, तो अगर राइस ले रहे हैं तो उसके साथ में हम कुछ प्रोटीन कंटेंट ले सकते हैं, फाइबर कंटेंट ऐड करने के लिए हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें कम है प्रोटीन कंटेंट और ये सारी चीज़ें, तो हम साथ में वो चीज़ें रोटी के साथ में भी हम रोटी सिंगल नहीं खाते, साथ में हम उसमें चपाती वेजिटेबल्स लेते हैं, कुक सैलड लेते हैं, लेकिन कंप्लीट मील हमें करना होगा, हमें टाइम के हिसाब से भी खाना खाना चाहिए क्या? रात को लोग कहते हैं राइस मत खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे, ये क्या मिथ है या सच्चाई है, ये क्या है? ये नहीं ना, किसी भी टाइम पे आप अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लेते हैं तो उस टाइम पर आपको ये देखना है कि आपका बीएमआर लेवल किस टाइम पर ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि आपकी एक्टिविटी लेवल किस टाइम पर ज़्यादा है। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल इवनिंग में ज़्यादा है तो इवनिंग में आप राइस ले सकते हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा है तो मॉर्निंग में ज़्यादा राइस लें, या मॉर्निंग में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लें, इवनिंग में कम कर सकते हैं। ओके ओके, डॉक्टर शिल्पा अब मैं आपके पास आऊँगी, आप क्या प्रेफर करती हैं, रोटी या राइस? देखो दोनों चीज़ें, व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, पर जब हम एक जीआई लेवल की बात करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है मैं दर्शकों को पहले ये बता दूं, जी, हम कुछ भी खाना जब मुंह में डालते हैं उसके बाद जो उससे इंसुलिन सिक्रीट होती है और हम कितना एब्जॉर्ब करते हैं उसको जीआई इंडेक्स कहा जाता है। रोटी का जीआई इंडेक्स कम होता है, चावल का ज़्यादा होता है, ठीक। रोटी के अंदर भी मिथेनाइन है, राइस के अंदर भी मिथेनाइन है, इसको जो हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं उन्हें हमें दाल के साथ करना चाहिए, तो रोटी बेहतर इसलिए है क्योंकि फाइबर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर ये जो आप जीआई की बात कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स लोग खाते हैं आजकल की बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें एनर्जी बहुत देर तक देता रहेगा, इज इट राइट? डेफिनेटली इट इज राइट। कार्बोहाइड्रेट दो लेवल में बांटे जाते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल मतलब जल्दी हजम होगा, जल्दी इंसुलिन स्पाइक होगा। कॉम्प्लेक्स रोटी होता है? कॉम्प्लेक्स रोटी होता है, डिपेंड, अगर होल व्हीट रोटी है तो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम चक्की का आटा नहीं लेते, एक नॉर्मल जो थैली में बंधा हुआ आटा लेते हैं जिसमें मैदा का कंटेंट ज्यादा होता है, हम व्हीट को तीन हिस्सों में बांटते हैं, जर्म, ब्रान एंड एंडोस्पर्म। ब्रान अगर नहीं है तो उसका जीआई इंडेक्स या फाइबर कम होगा, ठीक है, जीआई उसका ज्यादा होगा, सॉरी जीआई कम होगा, और आपका जो फाइबर कंटेंट है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि ब्राउन राइस खाना चाहिए, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें मल्टीग्रेन आटे की रोटी हमें खाना चाहिए। डॉक्टर गुलाब जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्योंकि अगर हम राइस की बात करें तो ब्राउन राइस को लेके बहुत पहले, मतलब 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था कि ब्राउन राइस आप खाइए अच्छा है, फिर उसके बाद फिर आया मॉडर्न साइंस में कि नहीं ब्राउन राइस नहीं खाना है क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अब वो ब्राउन राइस भी खाना लोगों ने कम कर दिया है। ब्राउन राइस इज डेफिनेटली बेटर एट लीस्ट फॉर द डायबिटिक पर्संस। ओके, इट्स डेफिनेटली बेटर। एंड नाउ डेज द लेटेस्ट जनरेशन राइस बीट्स आर कमिंग व्हिच इज रिच इन प्रोटीन। वी एज डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड, जैसे सर भी बता रहे हैं, अगर किसी का पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, बच्चों को लूज मोशंस हो रहे हैं, ब्रैट डाइट हम एडवाइस करते हैं, बनाना, राइस, एप्पल सॉस एंड ये हम ब्रैट डाइट एडवाइस कर रहे हैं, तो राइस की इंपॉर्टेंस हम कभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइस एंड रोटी। तो रोटी का एडवांटेज मैं अपनी साइड से आपको ये बता रहा हूँ कि हाई फाइबर कंटेंट है उसमें, लो कैलोरी इंटेक है उसका, रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो आपकी बोन हेल्थ है, आपकी क्या कहते हैं किडनी हेल्थ है, उसको भी इम्प्रूव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम करता है, किडनी का हेल्थ आपका अच्छा करता है, फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका एडवांटेज आपका ज्यादा है इफ यू कंज्यूम रोटी ओवर राइस। बट वी आर नॉट सेइंग कि आप राइस मत खाइए, राइस डेफिनेटली यू शुड टेक इन, उतना ही अमाउंट लीजिए जितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है। गुड गट बैक्टीरिया, बड़ा सोशल मीडिया पे मैंने ये वर्ड सुना है, तो गुड गट बैक्टीरिया चावल से, वी डोंट वांट टू एब्जॉर्ब राइस प्रॉपर्ली, वी वांट टू रिड्यूस इट, वी पास थ्रू द गट। पॉइंट इज व्हेन वी ऐड फैट टू एनी फूड उसकी जो जीआई है ना वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ती नहीं है। अगर हम, आपने हमेशा देखा होगा राजस्थान, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर गुलाब इससे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, आई विल लाइक टू क्लियर दिस पॉइंट, कि अगर हम राजस्थान में देखें तो वो आपने कच्चा घी खाते हुए देखा होगा, ऊपर से कच्चा घी खाते हैं, कच्चा घी हमेशा बेहतर होता है पके हुए घी से। हम कभी भी परांठा तवे पे सेक के देने को नहीं कहते, हम कहते हैं तवे से उतारो, उसके ऊपर घी लगाओ, क्योंकि उसके टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं व्हेन वी हीट घी, उसका एक बर्निंग पॉइंट होता है। तो जब हम कच्चा घी खाते हैं दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स द डाइजेशन, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको बढ़ाता है। फैट इज गुड बट अगेन, गुड फैट इज गुड बट अगेन इट इज़ अ फैट,
एक क्वांटिटी है, 1 teaspoon 5 grams इज मोर देन इनफ पर मील फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू लूज वेट. लेट्स कम बैक टू रोटी एंड राइस. मुझे लगता है नहीं, ये फैट की बातें क्योंकि लगातार रोटी व्हिच वी आर टेकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑफ व्हीट. ओके, है ना, एंड दैट इज अ व्हीट वैली, वेल नोन फैक्ट दैट इट विल इंक्रीज योर वैली. अगर आप रोटी ले रहे हैं और आप सेम क्वांटिटी का राइस ले रहे हैं, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स उतना ही है. इट इज 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन वन रोटी एंड 100 अगर आप कुछ नहीं मिला रहे तब भी नहीं मिला रहे, अगर कुछ नहीं मिला रहे उसमें, तो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम कार्बोहाइड्रेट्स यू आर कंज्यूमिंग. मैं एक छोटा छोटा अभी एक रिएक्शन ले लूंगी. आप सभी बस एक एक लाइन में अपना आंसर दीजिएगा. गुड गट बैक्टीरिया की मैंने बात कही, तो गुड गट बैक्टीरिया किससे ज्यादा रहेगा, राइस से या रोटी से, ताकि डाइजेशन अच्छा रहे? फाइबर कंटेंट होना चाहिए रोटी में ज्यादा है, रोटी में ज्यादा है, लेग्यूम ज्यादा है, फाइबर कंटेंट ज्यादा है. बट अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप राइस मत खाइए, राइस भी खाइए बट क्वांटिटी में खाइए, मॉडरेशन में खाइए. इफ यू टॉकिंग अबाउट गुड बैक्टीरिया देन राइस इज अ बेटर. Okay, and fermented rice is also better. Better. Okay, Pooja, doctor. Rice is better. Rice is better, sir. Or weight loss ke liye? Weight loss ke bhi yehi hai. Take the brown rice. Take the brown rice, which is a sela chawal kehte na. हाँ जी. Brown means sela rice. सेला नहीं होता, सेला इज समथिंग एल्स, ब्राउन इज समथिंग एल्स. ब्राउन मुझे लगता है कि ये अंतहीन बहस है और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे और लगातार, क्योंकि जी न्यूज वो मुद्दे लगातार उठाता रहता है जो आपके बीच में भी चर्चा का विषय बने रहते हैं. तो राइस और रोटी का हम सभी इस वक्त आनंद लेते हैं, साथ में इसके जो गुण हैं वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे, आपने भी जाना, और मुझे लगता है कंक्लूजन यही है कि हर चीज़ मॉडरेशन में बहुत बेहतर है और आपको एक बैलेंस्ड मील हमेशा लेना चाहिए, चाहे आप लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं और या फिर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, तो लेकिन आपका बैलेंस्ड मील होना चाहिए. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ वक्त देने के लिए. और जी मीडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ.